नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू ओनली आईएएस। एंड सो वी आर डिस्कसिंग द इकोनॉमिक सर्वे एनालाइजिंग द चैप्टर 10 ऑफ वॉल्यूम 2, दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इन द पास्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को कितनी तरीके से मेजर किया जाता है, हमने कुछ इंडेक्सेस के बारे में बात करी और यहीं पे हमने आखिरी में आके खत्म किए थे अपने बेसिक फीचर्स। और अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके आगे कि इकोनॉमिक सर्वे का क्या टेक है अबाउट द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, आज हम बोलते हैं कि डेमोग्राफिक एडवांटेज में है इंडिया, क्योंकि सबसे यंग पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में जो है वो किसके पास है, इंडिया के पास। मगर आज हमें जरूरत है कि हम सोशल सेक्टर जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, क्योंकि ये इंपैक्ट करता है डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ को, प्रोडक्टिविटी आपकी इकोनॉमी पे इंपैक्ट करता है, तो इसमें हमको रीच आउट करने की जरूरत है और कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अब इसमें हम करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने एक स्कीम चालू करी। तो अब बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत से डाटा के थ्रू बताना चाहेगा कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो ITIs के थ्रू फोकस कर रही है वुमेन पे, उनके स्किल डेवलपमेंट पे, साथ ही साथ ओवरऑल अर्बन और रूरल एरियाज में कैसे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, कैसे आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च करके गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योर करना चाह रही है हमारी पूरी सिटीजन्स का, इंडियन सिटीजन्स का। इसी के बाद में जो रूरल और अर्बन एरिया है वहां पे कैसे पोर्टेबल वाटर थ्रू जल शक्ति अभियान ये लोग पहुंचाना चाह रहे हैं, इन सब मुद्दों पे इकोनॉमिक सर्वे बात करता है। तो लेट सी अबाउट द ट्रेंड्स इन द सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। चैप्टर बताता है कि जो सोशल सेक्टर पे एक्सपेंडिचर है दोस्तों, दैट मीन इन द एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर्स बाय सेंटर एंड स्टेट्स, ये 1.5% बढ़ा है, दैट इज फ्रॉम 6.2 to 7.7%। और इसका टाइम पीरियड जैसा आप देख सकते हो 14-15 से 1920, 5 साल में। एजुकेशन में अगर हम देखें तो 2.8 से 3.1% का चेंज आया है, हेल्थ में अगर देखें तो 1.2 से 1.6 का। दोस्तों ये बहुत ही माइन्यूस्क्यूल चेंज है और जो ये फिगर है 1.6%, ये बहुत ही कम फिगर है। इसी कारण से आज हमको हम बोलते हैं कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ GDP में हेल्थ का एक्सपेंडिचर है वो एटलीस्ट 3% या 3.5% तो होना ही चाहिए। द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज आउट ऑफ टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर ये बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है टू 26% फ्रॉम 23.4%। तो सोशल सर्विसेज पे नो डाउट हमने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, बट जितनी आज की महंगाई है, जितना इन्फ्लेशन है, उसके अगर दर से हम देखें तो हम बहुत ही कम स्पेंड करते हैं हमारे सोशल सर्विसेज पे। ये एक ट्रेंड बताता है दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे सोशल सर्विस सेक्टर का एक्सपेंडिचर। जैसे आप देख सकते हैं टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर जो है 32.8537, ये हमेशा आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा, ये तो नोन फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, आपके बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं इस तरीके से। अब देखने वाली बात यह है कि आपने एजुकेशन और हेल्थ में से किसको ज़्यादा मतलब फोकस में रखा है। जैसे एजुकेशन में आप देख सकते हो कि हमने लगभग उतना ही क्राइटेरिया रखा है, और अगर हेल्थ में आप देखोगे तो भी कोई ऐसा बहुत मेजर आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और उसी के बाद में बाकी खर्चा जो है वो अदर्स में आ जाता है। इसी के बाद में यहाँ पे एज परसेंटेज ऑफ GDP देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, आज हेल्थ में हम कितना खर्चा कर रहे हैं 1.6, बोलते कितना है 3.5 करो, एजुकेशन में हम सिर्फ कर रहे हैं 3.1, जबकि बोलते हैं कि एटलीस्ट 5% होना चाहिए। एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखें, मतलब कि जितना हम टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो 10.6 आता है एजुकेशन में और हेल्थ में आता है 5.3। अब आप देखो कि जो अगर हम पास्ट से इसको कैलकुलेट करें तो आपको बहुत मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमको ये चीज़ पढ़नी थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट में जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था दोस्तों कि हमारी रैंकिंग जो है, इंडिया की रैंकिंग वो इम्प्रूव हुई है, हम 129th पोजीशन में है, 130 से इम्प्रूव हुई है। और जैसा कि आप ग्राफ के थ्रू देख भी सकते हैं, ये इंडिया की पोजीशन है और हम जिस पे रैंक आते हैं, हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, 1.34, जैसा आप देख पा रहे हो, ये एवरेज एनुअल GDI ग्रोथ रेट बता रहा है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट को तीन बेसिस पे नापते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूं। तो अब बात करेंगे हम एजुकेशन की। एजुकेशन में भी बेसिकली बात करेंगे हम प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन में। इकोनॉमिक सर्वे हमको बेसिकली इन तीन पैरामीटर्स को अलग अलग डिवाइड करके बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है।
तो पहले तो आप समझो कि प्राइमरी एजुकेशन में आपके साथ सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है क्वालिटी ऑफ टीचर्स। इन्हीं क्वालिटी ऑफ टीचर्स की वजह से जब हमारी ASER रिपोर्ट आती है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, तो उसमें पाया जाता है कि 7th क्लास के स्टूडेंट्स 2nd क्लास की बुक को रीड नहीं कर पा रहे। इसी के साथ पाया जाता है कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स 5th क्लास की मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसी के बाद यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे को जो क्वालिटी है, जैसे कि आज हम हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहाँ पे मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ। वहाँ पे डिजिटल मीडिया के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये तो छोड़िए, आज जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी प्राइमरी एजुकेशन में, एंड दैट टू पर्टिकुलरली इन द गवर्नमेंट स्कूल, वो बहुत ज़्यादा लैग करता है। इसी के लिए हम बहुत सी स्कीम्स भी देखेंगे, जैसे शाला दर्पण जैसी, और भी बहुत सी, जिससे कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं इनके जो आउटकम्स हैं या फिर जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक मेजर ड्रास्टिक चेंज करने के लिए इनको लाया गया। फिर जैसे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हम जानते हैं दोस्तों बार बार मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये बोला जाता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो रीजनल लैंग्वेज या फिर जो बच्चे की मदर लैंग्वेज है उसमें होनी चाहिए, ताकि जो लर्निंग आउटकम है वो ज़्यादा आ पाए। क्योंकि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम जनरली इंग्लिश या फिर हिंदी रखते हैं, तो हमारा लर्निंग आउटकम भी कम आता है। इसी के बाद हमारे प्राइमरी एजुकेशन में जो एक तकलीफ है, जो एक मेजर प्रॉब्लम है, वो है कि हम हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग नहीं है। जैसे एक मूवी का एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, जैसे आपने जो 3 इडियट्स में, आई होप आपने सबने वो देखी होगी, तो आखिरी में जो वो दिखाता है कि हाउ ही ट्रेन स्टूडेंट्स द ही ट्रेन द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निकल नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, कि कैसे आप एक साइकिल चला के आप एक कटर डेवलप कर सकते हो, कैसे आप एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलप कर सकते हो, इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, जिससे कि फर्दर, क्योंकि आप आज हम देखेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम बहुत पीछे आते हैं, तो वो इसी कारण से आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग नहीं है। इसी के बाद में हमारे यहाँ पे कोई डिटेंशन पॉलिसी नहीं है। डिटेंशन इन द सेंस कि अगर कोई टीचर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, वो अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, उसकी करिकुलम में वो नई नई चीज़ें नहीं सीखता है, तो उसको डिटेन करने की पॉलिसी होना चाहिए। साथ ही साथ टीचर्स को कंटिन्यूस इवेल्यूशन की प्रोसेस से निकलना पड़ चाहिए, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है। और जो प्री स्कूल ट्रेनिंग होती है हमारी टीचर्स की, वो या तो होती नहीं है, और होती भी है तो बहुत ही एक निचले स्तर की होती है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में फर्दर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यहाँ पे, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में दोस्तों, जैसे हमारा जो RTE एक्ट है, ये मैं आपको फ्यूचर स्लाइड में बताऊंगा अभी, यहाँ पे मिड डे मील स्कीम का बच्चों को एक अट्रैक्टिव फीचर लाया गया है ताकि बच्चे आए। तो सेकेंडरी एजुकेशन में दोस्तों, क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई मिड डे मील स्कीम नहीं है। इसी के बाद जब हम सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बच्चों को स्कूल में एनरोल करना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन की एज में आते आते बच्चा किसी ना किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो जाता है। उसी के बाद जब आप सेकेंडरी एजुकेशन में आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो टॉयलेट फैसिलिटी है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, जो कि हमको देखने को ऐसा मिलता है कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं स्कूल्स में प्रॉपर। जैसे हम बहुत बार न्यूज़ सुनते हैं कि गर्ल्स टॉयलेट में आपने कुछ स्टोर रूम बना दिया इस तरीके से। और अगेन, जो लो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो सेकेंडरी एजुकेशन में भी देखने को मिलता है, कि हमारे यहाँ पे जो टीचर का रेशियो है विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट वो बहुत कम रहता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, और वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे भी टीचर्स को नहीं दी जाती है। हायर एजुकेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है प्राइवेटाइजेशन की। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 70% मार्केट, आज आपको जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं, वो सारे लगभग लगभग प्राइवेट, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी। इसी के बाद यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हायर एजुकेशन में हम देखें तो वो बहुत हमको कम देखने को मिलता है। और क्वालिटी की अगर बात करें, जैसे आपको पता होगा कि अभी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कौन कौन से कॉलेजेस को हमारी गवर्नमेंट ने इसको दिया था, जिसमें कि एक प्राइवेट सेक्टर का भी आता है, जो एक कंट्रोवर्सी बनी थी कि इस प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज को आपने कैसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस दे दिया। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। फिर हायर एजुकेशन में जो हमारी रिसर्च है, जो पेपर्स है और जनरल से, दोस्तों ये सिर्फ एक खाना पूर्ति की तरह किया जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी रिसर्च बेस्ड या फिर कोई नई चीज़ इनोवेट करने में ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ पेपर्स और जर्नल्स को इशू करने पे इसका फोकस रहता है। उसी के बाद में क्वालिटी, लो टीचर स्टूडेंट रेशियो, वेरी लो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये तीनों ही हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में देखने को मिलती है। एक और जो, क्योंकि हायर एजुकेशन में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए
किसी भी चीज़ की रिसर्च में या किसी भी तरह के पेपर जर्नल्स इशू करने में आपको कुछ लेबोरेटरीज की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। तो बेसिकली इसके लिए एक अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, और इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन हो या फिर प्राइवेट हो, यहाँ पे बहुत सा पैसा लगता है। तो यहाँ पे जो फंडिंग है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन के लिए वो बहुत कम है, और अगर है भी तो उसकी ऑटोनॉमी इतनी कम है कि बच्चे अपनी मर्जी से रिसर्च नहीं कर पाते। तो ये कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली है इकोनॉमिक सर्वे जिसको बताने की कोशिश करता है। फिर इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है दोस्तों, वो आज हमने राइट टू एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के थ्रू, जिसको हम आरटी एक्ट पढ़ते हैं, वो सिर्फ है एलिमेंट्री बेसिस पे, मतलब कि एज 6 से लेकर एज 14 तक। जो हमारे यहाँ पे यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डाटा कलेक्ट करता है वेरियस इंडिकेटर्स ऑन स्कूल एजुकेशन, जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ बताने की कोशिश की है। वो ये बताता है कि देखो कैसे जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं और उसके बाद में जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कितनी किस ईयर में कितनी थी। जैसे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स आप देखोगे तो 0.84 इन लैक्स में बता रहा है ये, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ देखो, कॉलेज देखो, ये सब यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि हम किस लेवल पे आज खड़े हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट ऑल इंडिया लेवल इकोनॉमिक सर्वे ने बनाने की बात कही है। देखिए जो ब्लू में है वो 11 12 ईयर से, जब येलो पे स्विच होएगा तो 2017 18 कहलाएगा। अगर मैं आपको जैसे अगर 2011 12 से 2017 18 का अगर टोटल बताऊं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये हुआ है कम, ठीक है। अब कम में आपको जान के अचंबा होगा कि जो मेल है उसका ज़्यादा कम हुआ है, ज़्यादा रेट से कम हुआ है, और फीमेल का कम रेट से कम हुआ है, जैसा आप देख सकते हो। इसी के बाद में जब अगर बात करें, ये बात कर रहे थे हम एलिमेंट्री की, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो इसका टोटल बड़ा है, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी में बड़ा है ओवरऑल। अब वो कैसे बड़ा है, मेल का अगेन बड़ा है और फीमेल का भी अगेन बड़ा है। अब बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी की। सीनियर सेकेंडरी में अगर मैं टोटल की बात करूं, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये अगेन बड़ा है और फीमेल और मेल दोनों में बड़ा है। वैसे ही अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो टोटल में भी बड़ा है और मेल और फीमेल दोनों में बड़ा हुआ हमको दिख रहा है 2011 12 से। ये ब्लू वाला जो है, पर्पल वाला, ये 2018 19 बता रहा है, ठीक है, ये बता रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मगर एलिमेंट्री एजुकेशन जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे वो कम हुआ है, ये एक सोचने वाली बात है। इसी के साथ साथ जो एनालिटिकल पार्ट है दोस्तों, आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, मैं आपको वापस से स्ट्राइक करवाता हूँ। ध्यान दीजिए कि ये भले ही कम हुआ है हमारा एलिमेंट्री पे, मगर देखिए हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ओवरऑल अगर ऊपर जा रहे हो आप, तो ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा है। अब आप जैसे जैसे एलिमेंट्री से सेकेंडरी पे आओगे, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी पे आओगे, सीनियर सेकेंडरी से हायर एजुकेशन पे आओगे, तो आपको एक कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे ने आपको ये चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेशनल सैम्पल सर्वे रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। दोस्तों 17-18 में एनएसएस की एक रिपोर्ट आती है, एक सर्वे आता है, जिसमें बताया जाता है कि 13.6% के जो जो लोग हैं बिटवीन द एज 3 to 35 ईयर्स, ये कभी भी स्कूल में एनरोल्ड ही नहीं हुए। अब इनका अगर रीज़न पूछा गया तो इसके दो रीज़न दिए गए। सबसे पहला कि इनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और दूसरा ये दिया गया कि वो किसी ना किसी तरीके की फिनेंशियल कंस्टेंट की वजह से एनरोल नहीं कर पाए। अब बात करते हैं कि जिन्होंने एनरोल कर लिया, ये ऐसा बताता है सर्वे कि जिन्होंने एनरोल कर लिया उनमें भी जो ड्रॉपआउट रेट है वो 10% से भी ज़्यादा देखने को मिला। कहाँ पे, प्राइमरी लेवल पे, मतलब अभी हमने जो ग्राफ पे बात करी, देखो प्राइमरी लेवल मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी लेवल पे जिन्होंने एनरोल कर लिया उसमें भी जो ड्रॉपआउट रेट है, क्योंकि ड्रॉपआउट रेट मेजर नहीं कर रहा था ग्राफ में अगर आपको याद हो तो वो कितना है, 10% से भी ज़्यादा। वहीं अगर अपर प्राइमरी और मिडिल में बात करें तो ये उससे भी ज़्यादा है, 17.5। सेकेंडरी लेवल पे करें तो ये उससे भी ज़्यादा है। मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो मैं आपको ये डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा था, अगर मैं इसको ड्रॉपआउट रेट से मिला के, मतलब जैसे हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड चीज़ें नहीं कर रहे थे अभी इसके पहले, वैसे अगर मैं आपको ड्रॉपआउट रेट से इसको एडजस्ट करके बताऊं तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड और आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये ग्राफ्स एनालाइज करने हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं पुअर और अंडर प्रिविलेज सेक्शन के सेक्शन की, ऐसे लोगों की। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ये लोग एनरोल नहीं करते।
उसी के बाद में जो हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जहां पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं, अपना खर्चा करते हैं, एजुकेशन इंडिकेट करने की कोशिश करता है कि मतलब फीस कहाँ कहाँ बच्चों पे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स क्यों है, खर्चा कहाँ कहाँ होता है। तो आपको जान के अचंबा होगा अगेन कि 50.8% ऑल इंडिया लेवल पे जो खर्चा है वो सिर्फ कोर्स फी में होता है। जो सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है किसी बच्चे के खर्चे में वो है बुक्स, वो है स्टेशनरी और वो है यूनिफॉर्म। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिफॉर्म जो एक पर्टिकुलर आपको दुकान से लेने के लिए बोला जाता है स्कूल में, वो कितना बड़ा आपका एक खर्चे का पैरामीटर होता है, राइट। बुक्स आपको एक पर्टिकुलर स्टोर से लेने के लिए बोली जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमीशन एड अप होता है। स्टेशनरी भी आप इसी दुकान से ले लेते हो तो अगेन आपका खर्चा बढ़ा। इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आके आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो फाइनेंशियल स्ट्रेन बच्चों पे डालती हैं, पेरेंट्स पे डालती हैं, और फिर फाइनली आपको देखने को मिलता है कि बच्चे एनरोल ही नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे चीज़ देखनी थी। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ने यही चीज़ समझाने की कोशिश करी विद द ग्राफ, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के आपको समझाने की कोशिश की थी। ये है रूरल रेड में, ब्लू में है अर्बन। तो आप देखो कि रूरल में जो कोर्स फी है नो डाउट वो कम है एज कंपेयर टू अर्बन। वहीं अगर बुक्स और स्टेशनरी की बात करें तो देखिए ये रूरल में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगेन क्योंकि हम जानते हैं रूरल एरिया में बच्चे बहुत दूर दूर रहते हैं, तो ये ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू अर्बन। प्राइवेट कोचिंग, हम जानते हैं अर्बन एरिया का हर बच्चा कोचिंग जाता है, रूरल में तो कोई जाना पसंद नहीं करता, ये देखिए इसलिए ज्यादा है। अदर एक्सपेंसेस रूरल में ऐसा देखा गया है कि ये ज्यादा है, हालांकि अदर एक्सपेंसेस को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे डिवीजन किया गया था और इकोनॉमिक सर्वे ने समझाने की कोशिश करी थी। इसी के बाद में एवरेज एक्सपेंडिचर जो है दोनों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जनरल एजुकेशन के लिए बाय लेवल ऑफ करंट अटेंडेंस एंड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये बताया गया। मतलब जनरल एजुकेशन आप मान लीजिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देखो कितना डिफरेंस है। अगर रूरल एरिया में प्री प्राइमरी में जो गवर्नमेंट स्कूल का खर्चा है वो है 822 रुपीज़, वहीं अगर प्राइवेट में आप देखोगे तो इट्स नियर अबाउट 12 टाइम्स ऑफ व्हाट द पर्सन इज स्पेंडिंग इन द रूरल एरिया। वहीं अगर रूरल एरिया इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वहीं अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को आप प्राइमरी में देखो तो आप बेसिकली फी का स्ट्रक्चर देखो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और एक चीज़ और अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि रूरल में भी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट का डिफरेंस है वो देखो ग्रेजुएट में कम है, अगर आप देख पा रहे हो तो, वो देखो हायर में फिर कम है, मगर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, प्री प्राइमरी में, ठीक है। तो इस चीज को दूर करने की जरूरत है। वहीं अगर अर्बन की बात करें तो अगेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अर्बन में और प्राइवेट एडेड आप देखो कितना डिफरेंस है, अगेन आपको क्या देखने को मिल रहा है, नियर अबाउट 8 to 10 टाइम्स। वहीं अब वापस से आप पीजी एंड अबव या फिर जो ग्रेजुएट है उसमें अगर आप निकालोगे तो ये रूरल वाले कंपैरिजन से ज्यादा है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, देखो 9,500 और 12,500, वहीं 12,500 और 22,500, समझ में आ रहा है आपको। अर्बन में ही जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशन है ग्रेजुएट लेवल पे, उसमें जो डिफरेंस है अर्बन वाले में वो ज्यादा है रूरल से, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरीके से बेसिकली आप एनालिसिस करते हो जब आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठे हो, एज एन आईएएस ऑफिसर काम कर रहे हो, तो दोस्त आपको ये इकोनॉमिक सर्वे एनालाइज करना आना चाहिए, और इसी तरीके से आप फिर पॉलिसी बनाओगे और कुछ सजेशंस दोगे। तो अब क्योंकि हमने एजुकेशन की हालत पता कर ली, हमने एजुकेशन के बारे में समझ लिया, हमने बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ लिए, तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इंटरवेंशन करा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक कमिटी, एक एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 जो कि बनाई गई थी कस्तूरी रंगन कमिटी ने। ये ड्राफ्ट पॉलिसी जो है इसके बेसिकली चार पिलर्स हैं। सबसे पहला है एक्सेस, कितनी आसानी से आपको एजुकेशन मिल रही है। दूसरा है इक्विटी, कि कितनी समानता से लोगों को एजुकेशन मिल रही है। तीसरी है क्वालिटी, कि किस गुणवत्ता की आपको एजुकेशन मिल रही है। और चौथी है अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी है सरकार की भी, ये अकाउंटेबिलिटी भी है इंस्टीट्यूशंस की, जो भी इससे लोगों को बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का जिसको जिम्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो ये कितनी अफोर्डेबल है और कितनी अकाउंटेबल है। तो इसके पॉलिसी फीचर क्या हैं, इस पॉलिसी ने कवर किए हैं स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन। यहाँ पे जो इसके पिल्लर्स हैं वो पॉलिसी, देखिए ये तो हमने पॉलिसी के जो फाउंडेशनल पिलर्स है उसकी बात करी थी, ये पॉलिसी फीचर है। एजुकेशन, वोकेशन स्किलिंग, टीचर एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन,
इसमें बोला गया है कि जो आपकी प्री स्कूलिंग है उसको इंटीग्रेट करो आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, जो क्लासिकल और रीजनल लैंग्वेजेस हैं इस पे एम्फेसिस दो क्योंकि बच्चा इससे बहुत अच्छे से समझता है। इसी के बाद में जो कंपलसरी एजुकेशन है उसको आप करो 12th ग्रेड तक, दैट मीन 18 तक अंडर RT। इसी के बाद पॉलिसी बोलती है और एम करती है कि आप अचीव करो फुल लिटरेट सोसाइटी जहां पे हर एडल्ट लिटरेट हो बाय 2030। अब आपका सवाल एक है क्योंकि अगर आप पिछली स्लाइड देख चुके हो तो आप बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एजुकेशन फॉर ऑल कौन से नंबर का गोल है। इसी के बाद में पॉलिसी फोकस करती है कुछ सर्टेन फाउंडेशनल स्किल्स के लिए, जैसे एक प्रपोज स्ट्रक्चर देती है 5+3+3+4। जैसे कि सबसे फर्स्ट स्टेज जो होगी 5 ईयर्स की होगी वो होगी 3 से 8 साल के बच्चे के लिए, इसको कहा जाएगा फाउंडेशनल स्टेज, जहां पे कि उसकी लर्निंग करी जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्ले, मतलब खेल कूद के जरिए उसको सिखाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे जो मेन मुद्दा होगा वो होगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का ताकि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो, उसको स्ट्रेंथनिंग मिले। इस तरीके से जो दूसरी स्टेज होगी दोस्तों वो होगी प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, ये होगी ग्रेड 3 टू ग्रेड 5 के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि ग्रेड 3 टू ग्रेड 5 एज ग्रुप कवर करेगा 8 टू 11, वहीं मिडिल स्टेज 6 टू 8। अगेन देखो ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं, ये क्या दिखा रहा है, 5 3 टू 3 टू 8, फिर 3 8 टू 11, फिर 3 3 टू 5, और उसके बाद में सेकेंडरी ग्रेड 9 टू 12, ये 3, ठीक है। तो इस तरीके से 5+3+3+4 हो रहा है, और क्योंकि इसका एज ग्रुप ये मेंटेन कर रहा है 11 टू 14, और यहाँ पे आपने देखा कि क्या था 8 टू 11, और यहाँ पे कितना हो गया 14 टू 18, ये कितना आ गया 4। तो इस तरीके से आपने क्या बताया कि 5 साल तक, 3 साल तक, 3 साल तक और 4 साल तक कैसे आप बच्चे की पूरी ग्रोथ करने वाले हो। अब पॉलिसी बोलती है रेगुलेशन के बारे में, इसका रेगुलेशन कैसे करोगे, तो बोलता है कि स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का सजेशन देता है जो कि यहाँ पे एजुकेशन को रेगुलेट करेगी, ये अथॉरिटी देगी, या फिर एक्रेडिट करना, एक्रेडिट करने का मतलब होता है किसी को रिकॉग्नाइज करना। तो बेसिकली ये अथॉरिटी उन इंस्टीट्यूट्स को, उन स्कूल्स को रिकॉग्नाइज करेगी। फिर बात करता है ये हायर एजुकेशन के बारे में, हायर एजुकेशन में बोलता है कि इसको भी 3 स्ट्रक्चर में आप डिवाइड करो, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3। टीयर 1 जो सबसे ऊपर रहेगा उसमें सिर्फ आप रिसर्च रखो, ठीक है, और ये फोकस किस पे करेगा, टोटल रिसर्च पे मेनली, और साथ ही कुछ टीचिंग वाले पार्ट पे, वो भी रिसर्च में ही आएगा। टीयर 2 जो है इसको प्राइमरीली फोकस करो आप टीचिंग में, सिर्फ पढ़ाना, और टीयर 3 जो है यहाँ पे होंगे मेनली आपके कॉलेजेस जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल को समझाएंगे या पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये सारे ही इंस्टीट्यूशंस को ग्रेजुअली आप मूव करने की कोशिश करोगे और फुल अटोनॉमी देने की कोशिश करोगे इन ऑल 3 पैरामीटर्स, दैट इज अकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंशियल। अब ये जो चीज़ है दोस्तों ये क्यों करने की कोशिश की गई है ध्यान से समझिए, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में क्या होता है दोस्तों, आज कोई भी रिसर्च स्पेसिफिक कॉलेज नहीं है। देखिए अगर मैं कुछ कॉलेजेस को हटा दूं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर का है, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हर स्कूल हर कॉलेज में तीनों चीज़ें होती हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाया भी जाता है, टीचिंग पे भी फोकस दिया जाता है और रिसर्च में भी। तो क्या होता है कि हम स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, तो अब हमारी गवर्नमेंट और हमारी पॉलिसीज इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट्स को आप सेक्लूडेड कर दो, वो टोटल रिसर्च पे काम करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूट्स को आप सिर्फ पढ़ाने के लिए रखो कि जहाँ पे आप एक स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप कर पा रहे हो, वो ज़्यादा रिसर्च पे ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक रिसर्च कल्चर जो है वो डेवलप हो पाएगा। इसी के बाद में जो ये पॉलिसी है वो बोलती है नेशनल स्कॉलरशिप फंड बनाने की, जो कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को फिनेंशियली सपोर्ट करेगी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे ने यूज की है ये समग्र शिक्षा अभियान, तो आपको समग्र शिक्षा अभियान बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इसमें फर्दर मर्ज कर दिए गए हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, आई होप आपको याद होगा, जिसमें सेंट्रल स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसी के जो नीचे वाली चीज़ है वो आएगी सर्व शिक्षा अभियान, और मिड डे मील ये भी इसी में समग्र शिक्षा अभियान के अंडर में आती है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत इलेबोरेटली बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये UPSC पूछ भी चुका है। समग्र शिक्षा अभियान अंडर में आती है मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये प्री स्कूल से 12th तक को कवर करती है,
साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, ये अपने अंदर टीचर्स एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसके अंडर में आते हैं। इसका एम क्या है? जैसा आपने सुना होगा, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, वो सब इसी के अंडर है। यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन, सबको एक्सेस मिले, सब स्कूल में एनरोल हों और सब रिटेंड करें, ऐसा नहीं कि ड्रॉपआउट्स रेट ज़्यादा हो, मतलब जीरो करना। फिर उसके बाद में जो जेंडर गैप है हमारा स्कूलिंग में और सोशल कैटेगरी के जो गैप्स हैं इसको फुलफिल करना, इसको भरना। उसी के बाद में एनहेंसिंग लर्निंग लेवल, जो लर्निंग लेवल है जो मैं आपको बता रहा था कि 7th क्लास के स्टूडेंट 2nd क्लास की नोटबुक नहीं पढ़ पा रहे, उस चीज़ को फिल करना। बात करते हैं सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान, अगेन HRD मिनिस्ट्री के अंदर है। इसका जो एम है दोस्तों, ध्यान रखिए, सर्व शिक्षा का, ये एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश करता है। ये RTE Act 2009 में हमने एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 6 to 14 ने कंपलसरी कर दी है। एम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, जो प्यूपिल टीचर का रेशियो है वो बढ़ाना, इसी के बाद में फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करना, बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, और जिसको यूनिफॉर्म मिलेगी और फ्री टेक्स्ट बुक मिलेगी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय करना, साथ ही साथ मिड डे मील प्रोवाइड करना स्कूल्स में, ये सब आता है सर्व शिक्षा अभियान में। अब इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो UPSC डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, जैसे विद्यांजलि आई थिंक 2018 या 17 में इन्होंने पूछा हुआ है। अब पढ़े भारत बड़े भारत, ये लॉन्च किया गया था इनिशिएटिव 2014 में। यहाँ पे दोस्तों हर स्टूडेंट को क्लास 1 एंड 2, कोशिश की गई थी कि इन स्टैंडर्ड्स के बच्चे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ पाएं और बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स सीख जाएं। फिर एक पोर्टल बनाया गया था शगुन पोर्टल के नाम से, ये डेवलप किया गया था हमारी HRD मिनिस्ट्री ने मिलकर किया था वर्ल्ड बैंक के साथ में। ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है क्योंकि वर्ल्ड बैंक यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है। ये बेसिकली बताएगा इनोवेशंस और प्रोग्रेस जो आपने एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्टर में करी है आपकी कंट्री में। इसी के बाद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, बेसिकली इसमें रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाने की बात की गई थी ताकि बच्चों को दूर दूर से बार बार ना आना पड़े। फिर आती विद्यांजलि स्कीम, ये एक बहुत ही इनोवेटिव इनिशिएशन था विद द अंडर द SSA, समग्र शिक्षा अभियान, दैट इज इसमें वॉलंटियर्स लाने की बात की थी। वॉलंटियर्स जैसे दोस्तों कि आपके, मान लीजिए आप कोई IT सेक्टर में काम करते हैं या आप किसी भी तरीके से कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ चाहते हैं सोसाइटी को, तो इसके थ्रू ऐसी सर्विसेज गवर्नमेंट स्कूल्स में आप दे सकते हैं इस पोर्टल में रजिस्टर करके। इसी के बाद में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इसमें दोस्तों जो बच्चों की स्पिरिट होती है एंक्वायरी की, लव फॉर साइंस, मैथमेटिक्स, क्रिएटिविटी, उसको बढ़ाने की, उसको नर्चर करने की कोशिश की गई थी। ये सब प्रोग्राम है अंडर बोथ सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसमें जो एज ग्रुप है वो है 6 to 18। फिर आते हैं हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पे। इसको लॉन्च किया गया था 2009 में। एम था क्वालिटी बढ़ाना, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक और डिसेबिलिटी की जो बेरियर्स हैं वो कम करना, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन जो है उसको यूनिवर्सल एक्सेस देना बाय 2017, जो कि हम फेल हो चुके हैं अभी तो। उसी के बाद में जो रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स है सेकेंडरी एजुकेशन में उसको यूनिवर्सल करना बाय 2020। अब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के थ्रू हमने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए? शाला से सिद्धि है जिसमें कि स्कूल का इवेल्युएशन किया जाएगा जो कि फर्दर हेल्प करेगा स्कूल के इम्प्रूवमेंट पे। अब ये डेवलप किया गया था, ये शायद मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये होना चाहिए था नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवेल्युएशन, यस NPSSE होता है, ठीक है। इसी के बाद में शाला दर्पण, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे KV, केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें इसको बेहतर बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। फिर ई पाठशाला, जैसा आप देख सकते हो आज आप NCERT बुक्स जो हैं उसको डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में। फिर कला उत्सव, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने प्रमोट करने के लिए म्यूजिक, थिएटर, डांस, विजुअल आर्ट्स और क्राफ्ट, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसी के बाद राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जिसमें कि सीमा दर्शन भी आता है, जिसमें अपॉर्चुनिटी, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जिससे बेसिकली इनोवेशन के लिए था, ठीक है। सीमा दर्शन, इसमें अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चों को ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाए बॉर्डर एनवायरनमेंट और पेट्रोटिज्म बढ़ पाए अमंग स्टूडेंट्स, ये था अगेन फॉर द KVs और नवोदय विद्यालयों के लिए। तो ये सब चीज़ें हमको पढ़नी थी जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अंडर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
फिर जो दोस्तों हम अब बात कर रहे थे टीचर एजुकेशन कितनी ज़रूरी होती है इनके इवोल्यूशन की, इनको इवॉल्व करने की, तो इसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था बाय द नेम ऑफ डाइट्स। ये भी यूपीएससी पूछ चुका है, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये स्टार्ट किया गया था 1987 में, जिसमें कि साउंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्री सर्विस, मतलब कि सर्विस में रहते हुए, और इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसी के बाद समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा के थ्रू दोस्तों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं इनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ाने की कोशिश की गई थी। ये बेस्ड था जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज प्रपोजल देंगे कि हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये मतलब ऑन डिमांड बेसिस था, ऐसा आप समझ सकते हो। अब इस स्कीम के थ्रू जो एनुअल ग्रांट देते थे वो थी 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक पर एनम, डिपेंडिंग अपॉन द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता था। इसी के साथ साथ हर स्कूल को रिक्वायरमेंट थी इसमें कि 10% पैसा कंपोजिट स्कूल ग्रांट का स्वच्छता एक्शन प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है, मतलब जैसे आप टॉयलेट्स बना सकते हो या ड्रेनेज लाइन, इस तरीके से, ठीक है। उसी के बाद में स्कीम ये भी बोलती थी कि आपको हर साल मेंटेनेंस और जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपको ये जो पैसा है ये खर्च करना है। जो आपके यहाँ पे टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हो एजुकेशन में वो आपको करना है, जो लर्निंग आउटकम है बच्चों का वो बढ़ाना है। यहाँ पे प्रोविजन थे लाइब्रेरीज के, सप्लीमेंट्री ग्रेडेड मटेरियल टू स्कूल्स, इन सब चीज़ों पे बेसिकली समग्र शिक्षा बात करता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों मिड डे मील स्कीम का, ध्यान रखिएगा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से देखें तो आपको याद होगा मिड डे मील स्कीम का ऑब्जेक्टिव, जो कि हम बार बार भूल जाते हैं क्योंकि मिड डे मील स्कीम हमको ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन ही है। तो यूपीएससी दोस्तों आपसे बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछेगा कि मिड डे मील स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो न्यूट्रिशन ओनली करके पूछेगा, तो आपको यहाँ पे लगाना है नहीं, क्योंकि इसका एनरोलमेंट मतलब कि बच्चों को एक तरीके का लालच देना, ठीक है। तो एनरोलमेंट आए, बच्चे रिटेंड करें मतलब कि भाग के ना जाएं, और अटेंडेंस अच्छी हो, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे। बेनिफिशरीज हैं क्लास 1 टू 8 गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। सेंटर इनको रन करता है अंडर एजुकेशन गारंटी स्कीम, अल्टरनेट इनोवेट स्कीम, इनोवेशन स्कीम और नेशनल चिल्ड्रन लेबर प्रोजेक्ट। इसके फीचर हैं कि कुक्ड मिड डे मील दोगे आप, जिसमें 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा हर बच्चे को प्राइमरी लेवल पे, 750 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा अपर प्राइमरी लेवल पे। ये लेवल भी यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल इनफैक्ट आरटीईपी यूपीएससी का कुछ टाइम से फोकस देखने को मिल रहा है और वो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। फिर एक होता है दोस्तों निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा प्रोग्राम एचआरडी का, वर्ल्ड का इनफैक्ट सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट है टीचर ट्रेनिंग का। इसके ऑब्जेक्टिव है कि 42 लाख टीचर्स को ट्रेन करना है। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव। अब किसके लिए है, तो स्कूल टीचर्स के लिए है, और क्यों है, फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इस ट्रेनिंग के थ्रू इनको मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी, टीचर्स को इक्विप करने की कोशिश की जाएगी कि वो बच्चों में एक थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप कर पाएं, उनको डाइवर्स सिचुएशंस में एज अ काउंसलर ट्रीट कर पाएं। तो कौन करेगा, टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स एट द एलिमेंट्री स्टेज। इसी के बाद में की रिसोर्स पर्सन और स्टेट रिसोर्स पर्सन, जिनको की सरकार तय करेगी, इनको ये काम एंट्रस्ट किया जाएगा। मोबाइल ऐप और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसके थ्रू यहाँ पे जाके ये चीज पढ़ सकते हो। फिर आता है PMILP, जैसे प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, तो लॉन्च किया गया था इसरो हेडक्वार्टर से बेंगलुरु, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स को उनका फुल पोटेंशियल दिला पाएं, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाएं सोसाइटी को। इसी कारण से इसको यहाँ पे ध्रुव भी बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे को एक ध्रुव तारा जिससे माना जाएगा। ये दो एरिया कवर करेगा, जिसमें है साइंस और परफॉर्मिंग और आर्ट्स। 62 स्टूडेंट्स इन ऑल इसमें लिए जाएंगे, 30 फ्रॉम ईच एरिया, डेट इज साइंस एंड द परफॉर्मिंग आर्ट्स है। इसी के बाद ये प्रोग्राम एक्सटेंड करा जाएगा, जैसे क्रिएटिव राइटिंग जैसी इसमें और चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। फिर आता है दीक्षा पोर्टल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जहाँ पे कि टीचर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। यहाँ पे टीचर्स को अगेन इक्विप किया जाएगा अक्रॉस द नेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी से, ताकि वो पढ़ा पाएँ, उनको एड किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा।
यहाँ पे स्टेट्स एंड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगेन एक अथॉरिटी, एक इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश की गई है जिसके पास ऑटोनॉमी होगी ताकि वो एज पर द डिमांड जितने भी चेंजेस रिक्वायर हैं वो कर पाए। तो इस तरीके से आप करोगे दीक्षा पोर्टल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरवेंशन इन द हायर एजुकेशन। दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स ट्रेनिंग, देखिए नाम बहुत बड़ा है, बाकी आपको आखिरी के शब्द से समझ में आ गया होगा, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें अगेन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, जिसमें एक्सीलेंस और क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी टीचर्स में, उनकी टीचिंग स्किल्स में। अब इसका भी जो दोस्तों इंप्लीमेंटेशन है बहुत अलग नहीं है इसको, इसलिए मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। बेसिकली यहाँ पे स्कीम बेस्ड इंटरवेंशन हैं, प्री सर्विस इन सर्विस में इस पर भी ट्रेन करेंगे, ICT बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, मैथमेटिक्स साइंस लैंग्वेज टीचर्स इन सबको यहाँ पे ओवरऑल ट्रेनिंग करने की कोशिश करेंगे। ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पे रीट्रेनिंग और रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी मेंशन किया गया है फॉर टीचर्स एंड द फैकल्टी मेंबर्स। उसी के बाद में HEFA हायर एजुकेशन फिनेंशियल एजेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सेटअप किया गया था September 2016 में। ये फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू हायर एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। इसको एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मिलकर, वो पब्लिक सेक्टर बैंक थी उस टाइम कैनरा बैंक, इसको बनाया गया था ताकि इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बूस्टअप किया जा सके। तो जितने भी सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आपके मान लीजिए IITs हो गए, वो सारे इसको ज्वाइन करने के लिए, इसके मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। इट वुड बी जॉइंटली फंडेड बाय द प्रमोटर बैंक डेट इज कैनरा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसकी ऑथोराइज कैपिटल होगी 2,000 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट की इक्विटी इसमें होगी 1,000 करोड़ रुपए। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि फंड्स मार्केट से भी लेगी और उसको सप्लीमेंट करेगी विथ डोनेशंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो कॉरपोरेट सेक्टर से जो इसमें लोग पैसा देगा उसको फर्दर टैक्स बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे। इसमें RBI ने लाइसेंस भी दिए हैं फॉर HEFA टू ऑपरेट एज NBFC। अब यहाँ पे NBFC जो है वो हम पढ़ चुके हैं, तो बैंक स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स और NBFC में आपको डिफरेंस पता है आई होप। ये रहा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, और जैसा मैंने आपको बताया था जो आपका होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम में रेगुलेटरी आर्किटेक्चर और सेटिंग सेटअप करने की बात की गई थी 20 इंस्टीट्यूशन को, 10 पब्लिक सेक्टर और 10 प्राइवेट सेक्टर से, जहाँ पे कि वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इनको बनाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो वर्ल्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जो हमारे यहाँ पे ग्लोबल रैंकिंग है, इंस्टीट्यूशंस में से एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं आया था 2017-18 की बात है। तो इस कारण से यहाँ पे हम ग्लोबल, एक नेशनल इंस्टीट्यूट हमारा ग्लोबल रैंकिंग कर पाए, ये हमारा यहाँ पे एम रहेगा। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे दोस्तों, ये जो इतने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये UGC के अंडर में नहीं आएंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर में। ये फ्री होंगे अपने कोर्सेज डिज़ाइन करने के लिए, अपना करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए, ये अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनेंशियल और अकेडमिक ऑटोनॉमी ले सकते हैं या इनके पास रहेगी। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है दोस्तों इन्हीं के साथ में, उनको भी 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, वाइल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा इस स्कीम के अंडर। अभी तक 20 यूनिवर्सिटीज़ को इसका टैग दे दिया गया है, 6 यहाँ पे मेंशन है जो मैंने आपसे पूछी थी, अगर आपको उसका जवाब नहीं मिला हो तो अब यहाँ से आप जॉट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और जिस पे मैंने आपको बोला था कि कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी वो है ये जियो इंस्टीट्यूट, और साथ में 14 2019 में जो कि ऐड किए गए थे, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपका रहा प्राइवेट और ये रहा आपका पब्लिक। तो इस तरीके से ये इन ऑल आपके टोटल 20 यूनिवर्सिटीज कंप्लीट करते हैं। इसी के बाद में हम बात करेंगे नीट के बारे में। ये NEET वाला नीट नहीं है, ये है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये एक PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम है जिसमें कि टेक्नोलॉजी यूज कर पाए और बेहतर लर्निंग आउटकम हम दिलवा पाए हमारे हायर एजुकेशन में। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ऑब्जेक्टिव में उसका यूज करने के लिए बोला है, ताकि जो लर्निंग है वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो, मतलब कि किसी एक बच्चे का अगर कोई डाउट आता है तो वो उसको उसके लेवल पे जाके समझा पाए, कस्टमाइज्ड हो और लर्नर के हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पे हम को क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हम यहाँ पे बच्चों को सबसे पहले तो इस टेक्नोलॉजी से अडाप्ट करवाएं, इस टेक्नोलॉजी को उनके हिसाब से डेवलप करें, और जो डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे लर्नर्स मतलब बच्चों की, उसको इसके थ्रू इक्विप्ड करने की कोशिश करें। यहाँ पे जो एडुटेक कंपनीज है दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग सॉल्यूशंस एंड मैनेज रजिस्ट्रेशन ऑफ लर्नर्स थ्रू, इसके लिए एक पोर्टल भी बना दिया गया है जिसके थ्रू कि ये एडटेक कंपनीज जो हैं
ये जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगी वो इस पोर्टल के थ्रू लर्नर्स तक पहुंच सकती हैं। इसके बाद में इक्विप करके एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, ये एक विजन प्लान है जिसमें एम किया गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम को, जिसमें कि हम बहुत सारे इंटरवेंशन करेंगे अगले 5 साल में, जैसे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में डबल करने की बात थी, जो ज्योग्राफिकली स्क्यूड इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारे जो, क्योंकि ज्योग्राफी के कारण बहुत बच्चा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक नहीं जा पाते, उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा, और साथ ही जो 20 इंडियन इंस्टीट्यूशन है उसको टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में लाने की कोशिश की जाएगी। फिर एक और इनिशिएटिव लिया गया स्वयं 2 के नाम से। बेसिकली क्या है दोस्तों कि स्वयं प्रभा DTH TV इसमें लॉन्च की जाएगी, जिसमें कि एज पर द कन्वीनियंस हर मतलब every 4 आवर फ्रेश स्लॉट टेलीकास्ट किए जाएंगे बच्चों के लिए, और उसको 6 टाइम रिपीट किया जाएगा in 24 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है टू द डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, और इस तरीके से यहाँ पे इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी। इसी के साथ साथ कुछ अदर इनिशिएटिव्स भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे इम्प्रेस 2018 इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, ये एनकरेज करेगा सोशल साइंस में रिसर्च करने के लिए। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप, जिसमें डॉक्टोरल प्रोग्राम जो हैं जैसे IISc, IISER और IITs में इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर है इम्प्रिंट, जिसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की रिसर्च में प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये पैन IIT और IISc का जॉइंट इनिशिएटिव है टू सॉल्व 10 सिलेक्टेड सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे कि मान लीजिए एक प्रॉब्लम तो मुझे पता है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो जैसे जो ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक फ्लोराइड इसका जो कंटेमिनेंट है इसको सॉल्व करने के लिए, जिसमें IISc ने हाल ही में एक चीज़ इनोवेट करी भी थी। फिर उसी के बाद में आता है ज्ञान, ये है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ये एक इंटरफेस जैसा काम करेगा, यहाँ पे कोशिश की गई है एक नेटवर्क डेवलप करने की, ताकि जो हमारा टैलेंट पूल है साइंटिस्ट का और एंटरप्रेन्योर्स का वो एंगेज कर पाए हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स हैं हायर एजुकेशन के, ताकि वो उनको गाइड कर पाए और उनको हेल्प कर पाए। फिर आता है राइस। दोस्तों ये जो राइस है, जो अभी हमने हेफा में बात करी थी, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी, ये इसको फाइनेंस करेगा, मतलब कि हेफा इसको फाइनेंस करेगा। इसका कॉर्पस है 1 लाख करोड़ रुपी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की बात की गई है, ये लो कॉस्ट फंड्स रहेंगे टू गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें जितने भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस रहेंगे जैसे IITs, IIMs, NITs, IISER, वो बोरो कर सकते हैं 1 लाख करोड़ कॉर्पस में से 4 साल के लिए, ताकि वो अपने नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपांड कर सकें। ये इनिशिएटिव जो है इसका एम था दोस्तों कि ये इन्वेस्टमेंट ला पाए किसमें, रिसर्च में और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में। बाद में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए, अर्पित और लीप। अर्पित का मतलब होता है, या इसका फुल फॉर्म है एनुअल फ्रेश रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, और लीप का है लीडरशिप फॉर अकेडमिशियंस प्रोग्राम। अर्पित एक यूनिक इनिशिएटिव है दोस्तों, जिसमें ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाएगा ऑफ 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टी, यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है 15 लाख हायर प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाएगा फैकल्टीज का, यूजिंग द स्वयं प्लेटफॉर्म जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, वहीं लीप जो है ये 3 वीक का फ्लैगशिप लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये होगा सेकेंड लेवल अकेडमिक फंक्शनरीज का, मतलब इसके बाद में, और ये होगा कहाँ पे, पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। फिर आता है स्वयं प्लेटफॉर्म। स्वयं प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पे ही मेंशन कर दिया है, 3 इंस्टीट्यूशंस HRD, AICTE और माइक्रोसॉफ्ट के कोलैबोरेशन से बड़ा है, जो कि 3 ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहा है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। तो ये सारी स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ना थी, और स्किल डेवलपमेंट से जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से डील करेंगे। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इफ येस डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।